क्या बॉलीवुड जो है हमारे इतिहास के साथ हमेशा छेड़छाड़ करता आ रहा है? क्या वो सनातन धर्म को जो है गलत साबित करना चाहता है? क्या बॉलीवुड हमारे इतिहास को बर्बाद कर रहा है? तो आइए इस पर बात करते हैं। तो आप शुरू से देख लीजिए, बॉलीवुड जब से हमारे इतिहास को फिल्म बनाता आ रहा है, जब से बॉलीवुड में जो है सनातन धर्म से जुड़े कोई सीन होते हैं उसमें जो है हमारे देवी देवता का हमेशा से अपमान किया जाता आ रहा है, और जो अब सभी लोगों के सामने आ भी रहा है। तो चलिए बात करते हैं अभी के कुछ हाल ही में फिल्में आई जिन पे जो है कैसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके कैसे इतिहास को झूठा दिखाया गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जोधा अकबर की, जहां आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन और आशुतोष गोवारिकर के जोधा अकबर में कहा, जहां मुगल आक्रांता को कैसे महान दिखा दिया गया, कैसे जो है अकबर की महानता को जो है हमारी किताबी पुस्तक में इतने साल से हम तो झेलते हैं, लेकिन उसमें जो है बड़े पर्दे पर भी कैसे उसको एकदम महान दिखा दिया गया। और जहाँ अकबर जैसे मुगल आक्रांताओं के बारे में जो है रावणुद्दीन खिलजी का रोल करने वाले सैफ अली खान कहते हैं कि मुगल जो जब हमारे देश में आए भारत में, तभी हमारा देश जो है विकसित हो पाया था। उनके हिसाब से उससे पहले हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। जोधा अकबर के बाद भी बॉलीवुड जो है हमारे सनातन धर्म के अपमान के लिए कई सारे फिल्मों में जो सीन्स डालता रहा है, और ये तो कभी बंद ही नहीं होने वाला इनका। तो हाल ही की फिल्मों की बात करते हैं, जहाँ पानीपत को देख लीजिए, आप बाजीराव मस्तानी को देख लीजिए। तो हम बात करते हैं बाजीराव मस्तानी में, आपने देख लीजिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेनापति बाजीराव प्रथम, जिन्होंने अटक से कटक तक भगवा लहरा दिया था, उनको जो है ये अपनी फिल्म में एक देवदास बना के रख देते हैं। मतलब आप देखिए बाजीराव मस्तानी में केवल बाजीराव मस्तानी को ही पॉइंट दिखाया गया, इन्हीं को जो है मेन पॉइंट पर रखा गया है। मतलब जो अखंड हिंदवी स्वराज्य का जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो संकल्प था, जिसके लिए बाजीराव प्रथम ने अपने आप को पूरा बलिदान कर दिया था, एक ब्राह्मण होकर उन्हें क्षत्रियों के भांति शस्त्र उठाया था। बाजीराव पर लाल, जिन्होंने अपने जीवन में 40 युद्ध लड़े और 40 के 40 युद्ध जीते थे, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर पाया था, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेनापति को जो है बॉलीवुड में सच में देवदास बना के रख दिया था। और मेरे दोस्त जो जिन्हें इनके बारे में पता नहीं है, वो आज भी मुझे रिकमेंड करते हैं कि बाजीराव मस्तानी देख भाई, अच्छा लव स्टोरी मूवी है। मतलब आप सोच सकते हैं कि बाजीराव पेशवा के ऊपर फिल्म बनती है बाजीराव मस्तानी, और उन्हें एक रोमियो की तरह दिखा दिया जाता है, एक लव। सोच सकते हैं कि बॉलीवुड जो है हमारे इतिहास से कितना घृणा करता है, बाजीराव पेशवा जैसे इतने महान योद्धा को एक रोमियो की तरह, एक देवदास की तरह दिखा के पेश किया जाता है। उसके बाद आता है आपके अर्जुन कपूर का, आपके महान ऑस्कर विनर एक्टर का जो है पानीपत। फिल्म में भी जो है इतिहास को झूठी तरह से दिखाया गया था, जहाँ जाटों के महाराज सूरजमल को यहाँ मराठों के साथ गद्दारी करते हुए दिखाया गया, जबकि असली इतिहास को आप पढ़ेंगे तो जाटों के महाराज सूरजमल ने जो है मराठों को अपनी पत्नियों को जो है सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मराठे जो है अपने जो है स्त्री और बहनों को जो है साथ लेकर युद्ध करने जाते थे, इसी वही जो है उनकी बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुई थी। इसी कारण से जो है जाटों के महाराज सूरजमल और मराठों के बीच ये संधि नहीं हो पाई थी। जबकि इतिहास में आप देख लीजिए, जब मराठे जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हार के आते हैं, तब उनकी सबसे पहले सहायता जो है जाटों के महाराज सूरजमल द्वारा ही की गई थी। लेकिन असल में इतिहास में तो जो है अंग्रेज़ों ने अब हिंदुओं को और भारतीय राजा को लड़वा के यहाँ हमारे देश में कब्जा कर लिया, और जो बॉलीवुड है जो है इतिहास में जो कुछ राजा बच गए थे जिन्होंने हिंदुओं का साथ देने का प्रयास किया, उसे जो है बॉलीवुड अपने आधार पर जो है गलत दिखा रहे हैं। उसके बाद आता है बॉलीवुड के सबसे घटिया इतिहास पर बेस्ड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। सबसे पहली बात तो ये लोग जो सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में जो है सम्राट लगाना ही नहीं चाहते थे, ये लोग तो सिर्फ पृथ्वीराज से फिल्म बना रहे थे। जैसे तैसे करके हिंदू दल के आंदोलन के कारण, जैसे तैसे करके हिंदू दल के दबाव के कारण इन्हें सम्राट पृथ्वीराज लगाना पड़ा था टाइटल में। जहां आप देख लीजिए सम्राट पृथ्वीराज की जो छवि थी, जो चरित्र था, उसे इतनी बुरी तरह से बर्बाद करके पेश किया गया, जहां अक्षय कुमार को इसमें कास्ट करके इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था पूरा हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ कर दिया गया, और इसमें भी जो है इतिहास को बिल्कुल झूठे तरीके से दिखाया गया है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो आप अगर सीधा सीधा समझना चाहें तो बॉलीवुड के जो है हमारे इतिहास के प्रति हमें ही घृणा करवाना चाहता है, हमारे इतिहास से हमें ही जो है नफरत करवाना चाहता है। और जो बॉलीवुड का जो घटिया मानसिकता है और घटिया प्रोपोगेंडा, इसके तहत वो जो है हमारे इतिहास को ही नष्ट करना चाहता है। क्योंकि आप देख लीजिए इनके जो पूर्वज थे, इनके उनसे तो सनातन धर्म का एक पत्ता नहीं हिल पाया, कितने कितने बार हमारे मंदिरों को, हमारी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश किया गया, प्रयास किया गया, लेकिन आज तक ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब देखिए बॉलीवुड अपने घटिया सोच के साथ हमारे ही जो सोच है हमारे इतिहास को बर्बाद करना चाहता है। जहाँ तानाजी फिल्म के साथ ओम राउत से एक अच्छी उम्मीद की गई थी कि ये हमारे सनातन धर्म को अच्छे से दिखा पाएंगे, हालांकि तानाजी फिल्म भी एक आध सीन ऐसे रखे गए थे जिसको अगर आप सोचेंगे तो कुछ आपत्तिजनक थे। फिर आदि पुरुष के अनाउंसमेंट होता है, सभी एक्साइटेड होते हैं कि प्रभास को इसमें लिया गया, ओम राउत इसके डायरेक्टर हैं, और उसका टीजर आता है, फिर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो आप इन सभी लाइन अप फिल्मों को देख के बॉलीवुड के अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये जो है हमारे इतिहास को या तो बर्बाद करना चाहता है या तो हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। हमारी संस्कृति की और हमारे जो गौरवशाली इतिहास है उसकी छवि ये लोग ऐसे बनाना चाहते हैं ताकि हम अपने इतिहास से घृणा करें।
यह कोई एक बार में समझ में आने वाला पॉइंट नहीं है, यह एक दूरदर्शी पॉइंट है जिसको आप अगर दूरदर्शी सोच के साथ देखेंगे तो आपको ये बहुत सत्य लगेगा, क्योंकि बॉलीवुड के जो घटिया मानसिकता, जो घटिया प्रोपोगेंडा है, ये हमें हमारे धर्म के खिलाफ ही भड़काना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आपको पानीपत पर कोई फिल्म देखना हो तो वही अर्जुन कपूर वाली ही आपके सामने आएगी, आप उसको देखेंगे तो आप इमेजिन उसी तरह से करेंगे, इतिहास को आप उसी तरह से इमेजिन करेंगे और आपको लगेगा कि इतना घटिया इतिहास था हमारा, हमारे इतिहास में क्या रखा है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिए, आप रामानंद सागर जी के रामायण को देखते हैं तो हम उनके किरदार को देखते हैं तो हमें लगता है कि श्री राम ऐसे रहेंगे, माता सीता ऐसे रहेंगी, रावण ऐसे रहोगा। और उसी तरह से आप देखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अगर हमें फिल्म देखना होगा तो हम अक्षय कुमार की फिल्म को सर्च करेंगे, उसे देखेंगे तो हमें लगेगा क्या हमारे सम्राट ऐसे तुच्छ रहे होंगे, हमें अपने इतिहास से घृणा हो जाएगा। और ये है सबसे बड़ा पॉइंट बॉलीवुड का, इसे कहते हैं ब्रेन वॉश्ड करना, मतलब आपको ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा अपने ही संस्कृति के खिलाफ, अपने ही इतिहास के विरुद्ध। इसीलिए जो है बार बार कैंपेन चला जा रहा है, बार बार ये ट्रेंड चला जा रहा है कि आदि पुरुष जैसे फिल्मों को बैन करना चाहिए, ऐसे फिल्मों को बनने ही नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए कहा भी जा रहा है कि हिंदुओं जागो, अब कुछ करो, वरना फिर जो है सनातन धर्म जो है संकट में ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको जो बॉलीवुड वाले बर्बाद कर देंगे। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, क्या आपको भी ये सही लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।